एक एवी जगह के जब मैरिड वुमन ने जईने रिलैक्स पीता मायका ऑब्वियसली हाश थाय पोताना घरे आया हवे मम्मी बधु खवडावशे आत्ता स्वागता करशे बाकी रोज तो पोताना सासरे तो बधु जाते ज करवू पड़तू होय हवे वात आवे खावानी त्यारे सवाल थाय के मम्मी ना हाथ नु फूड अने मम्मी ना हाथ नु फूड एनी कॉम्पिटिशन मां कई ज ना आवे हवे एक रिसेंटली एक रेस्टोरेंट ओपन थई छे सिंधु भवन राजपथ नी वच्चे कही शकाय नाम छे मायका हवे एनी बहु चर्चाओ मैं सांभळी एम्बियंस थी लईने फूड सुधी अने एवुं सांभळ्युं छे के कंईक अनोखुं मळे छे अहींया एवुं सांभळ्युं छे के अहींया इंटरनेशनल अने इंडियन नुं कंईक मिक्सचर थाय छे અને એમ કે છે કે મમ્મી ના હાથ નું ફૂડ હશે એના જેવો ટેસ્ટ હશે બસ એવું છે કે નહીં આપણે જોવાનું છે એન્ડ વાવ ધ એમ્બિયન્સ લુક્સ રીલી નાઇસ સારી છે એમ્બિયન્સ ફૂડ કેવું છે ચલો જોઈ લઈએ ફોલો મી એવું રેસ્ટોરન્ટ કે જ્યાં મમ્મીના હાથના ફૂડનો ટેસ્ટ આવે પણ ગ્લોબલ ટેકનિક્સ અને ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ યુઝ કરીને ફૂડ બનાવે બસ કેવી રીતના એવો ટેસ્ટ આવે છે કેવી રીતના બનાવે છે ફૂડ આપણે જાણવું છે અને ફૂડ આજે બનાવીને અમે તમને આજના એપિસોડમાં બતાવીશું અને બનાવશે અહીંયાના હેડ શેફ અને કોનર મયંકભાઈ મયંકભાઈ વેલકમ ટુ ઝટપટ ફૂડી વિથ કસિસ મયંકભાઈ સૌથી પહેલા મુજે એ બતાય કે વોટ ઇઝ માયકા ફોર યુ માયકા is inspired from the kitchen of Indian mothers. Okay. So basically, we are elevating home-cooked, mothers-made food by incorporating global food ingredients and modern cooking techniques. And that's how we are recreating own version of food. That's the Maika. Okay. So, Maika ke bare mein maine ye suna hai ki idhar ka menu kuch alag hai. और yes. अलग भी है और कुछ मेन्यू में भी कुछ कुछ अलग है वो अलग क्या है वो आप बताएं हम लोग दो तरीके के मेन्यू देते हैं वन इज अलाकार्ट मेन्यू दैट यू गेट एवरीवेयर सेकंड थिंग हमारे पास एक प्रीपेयर्ड मेन्यू है जिसको हम शेफ टेस्टिंग मेन्यू बोलते हैं okay. जिसमें आपके अम्यूज बोर्ड से लेके डिजर्ट तक एवरीथिंग विल बी देयर सो दैट जब भी कोई गेस्ट आता है तो दे डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट क्या ऑर्डर करें क्या ना ऑर्डर करें they just have to come and tell us their likes and dislikes that what they like to have rest everything will be taken care by the kitchen team nice so that's the main idea so and we infuse global food ingredients and new techniques into indian cuisine aur usse ek hum ek naye prakar ka khana jo hai wo bana rahe hain and I want all of you to try and then you will come to know that what you are actually doing definitely to abhi shuruaat karenge kaun se menu se aap shuruaat karoge so today I am going to make few dishes for you so sabse pehle main banane ja raha hu charcoal broccoli with truffle malai cream and some toasted nuts for that I need few ingredients which I have over here ye tasting menu mein se yes ye hamari tasting menu ka ek bahut hi signature dish hai nice so I am going to make today okay चलिए शुरू करें सबसे पहले गैस ऑन सबसे पहले मैं यूज करूंगा ऑलिव ऑयल इधर सब ऑलिव ऑयल में बनता है नॉट एवरीथिंग बट यस फ्यू डिशेस नाइस थोड़ा सा गरम हो जाएगा उसके बाद डालूंगा गार्लिक स्मेल बढ़िया आ रही है ग्रीन चिलीज लिटिल बिट ऑफ ग्रीन चिलीज ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा लिटिल ब्राउन करना है गार्लिक इज द मेन एलिमेंट ऑफ दिस
बाहर डालना है थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ओके, क्रश ब्लैक पेपर। हमारे गुजराती में बोलते हैं मरीनो भुक्को करीने नाखू। थोड़ा सा एक कलर आ गया है, इसके बाद में डालूंगा थोड़ा सा पानी जिससे कि इसकी कुकिंग रुक जाए और ये पैन में चिपके ना। आप बहुत ही कंसेप्चुअली एक्सप्लेन कर रहे हो, सो आपने मतलब शेफ बनने की ट्रेनिंग ली है, कैसे मतलब कोर्स किया, क्या है पूरी स्टोरी? इसमें मैं पिछले तकरीबन 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। वाओ। यस, एंड आई हैव वर्क्ड एक छोटे रेस्टोरेंट से लेके 5 स्टार में भी काम किया है मैंने। ये आपने क्या लिया? ये मैंने फ्रेश क्रीम डाला है इसमें। फ्रेश क्रीम, ओके। तो 5 स्टार में भी काम किया और फिर अभी अपना खोल दिया रेस्टोरेंट। नाइस। ये माइका को कितना टाइम हुआ? इट्स बीन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स, ओके। नाइस। टू 7 स्पून्स ऑफ क्रीम। वाओ। मैं इसमें डालूंगा ये प्रोसेस्ड चीज। ओके। तो ये जो रेसिपी आप बना रहे हो मतलब कौन सी क्यूजिन में? ये इंडियन क्यूजीन है, हम लोग उसको एलिवेट कर रहे हैं। सो द टेस्ट एंड फ्लेवर्स आर सेम जो हम लोग घर पे खाते हैं, उसको एलिवेट कर रहे हैं कि हाँ व्हाट कुड बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर्स। ऑलराइट, सो क्योंकि हम बचपन से क्रीम, घी, बटर, चीज सब कुछ खाते आ रहे हैं, उसको एक नए तरीके से किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं जो टेस्टी भी हो, प्रेजेंटेशन वाइज भी अच्छा हो और देखने में ऐसे लगे कि ये तो इंटरनेशनल हो गया। करेक्ट, करेक्ट, दैट्स द मेन आईडिया। थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा इसमें कोरिएंडर, ओके, और इसकी कंसिस्टेंसी को स्मूथ बनाने के लिए थोड़ा सा पानी। कूल। Now this is the broccoli that I have already blanched. इसको सीजन करूँगा। Okay. ऑलिव ऑयल के साथ। इसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। और इसको मैं तंदूर में पकाऊंगा। तंदूर। Yes. Okay. चलिए शेफ, ब्रोकली हो गई। Alright. So yes. हमारी ब्रोकली हो चुकी है अभी। ये हमने सॉस बनाया था। अब इस सॉस के लिए हम यूज करेंगे ये कनिस्टर, ओके, इट्स कॉल्ड साइफन। हां, साइफन इज बेसिकली ए कनिस्टर जो यूज होता है किसी भी चीज को एरिएटेड बनाने के लिए। सो इसमें हम लोग मतलब ये जो मतलब इंडियन स्टाइल है और ये टेक्नोलॉजी, दैट्स द मेन थिंग। सो फ्लेवर्स, हाउ यू इनकॉर्पोरेट दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन इंडियन क्यूजीन, दैट्स द मेन आईडिया। नाइस। ऑलराइट, सो मैं इस सॉस को इसके अंदर डालूंगा। ओके। और उसके बाद हम लोग प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। ये है साइफन। ये जो सॉस जो हमने बनाया है। ऑलराइट। सो एकदम फोम जैसा हो गया। यस। गाढ़ा हो गया एकदम। यस। नाउ वी गोना पुट दिस ब्रोकली। ओके। ऑन टॉप ऑफ इट। थोड़ा सा सॉस ऊपर से। के बाद डालेंगे थोड़ा सा टोस्टेड कैश्यू नट, क्रंचीनेस देगा। ये है टोस्टेड आलमंड स्लीवर्स। उसके बाद ये है होममेड जो हम लोग घर पे मट्ठी बनाते हैं। मट्ठी, हाँ जी, उसको
का स्टिक्स बनाए हैं हम लोगों ने। आप इधर ही बना? हाँ जी। नाउ ये ज़्यादा चेरी टमाटोस। हाँ होम ग्रोन, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ग्रीस। ओके, माइक्रो माइक्रो ग्रीस, माइक्रो ग्रीस इज द पी शूट। ओके, सो द ग्रीन पी शूट दैट वी वांट टू पुट। ओके, एंड दिस इज कंप्लीटली एडिबल। दिस इज एडिबल फ्लावर। दिस इज आल्सो होम ग्रोन, वी ग्रो इट हियर। नाइस। यस, प्योर ऑर्गेनिक। यस, प्योर ऑर्गेनिक। नाइस। एंड दिस इज chili oil that we have prepared. We're gonna pour it all over. Okay. On top of it, again, a little bit of truffle oil. Wow. એકદમ આમ એવું લાગે કે આપણે કોઈ ફોરેન કન્ટ્રીમાં છીએ અને ત્યાં આવી બધી રેસિપીઝ મોસ્ટ ઓફ બનતી હોય છે. આપણે ઇન્ડિયામાં સ્પેશિયલી અમદાવાદમાં તો રેર કેસમાં, પણ આઈ એમ રિયલી એક્સાઇટેડ આને ટેસ્ટ કરવા માટે. ટેસ્ટ કરીશું એ પહેલાં એની જે બીજી સિગ્નેચર ડિશિસ છે એ પણ આપણે ટ્રાય કરવાની છે. સ્મેલ તો મસ્ત આવી રહી છે, કાન્ટ વેઇટ. ઇસકે બાદ શેફ ક્યા બનેગા? ઇસકે બાદ હમ લોગ બનાયેંગે એક થેપલા ટાકો. થેપલા ટાકો, સોયા બોટી થેપલા ટાકો. ઓકે, સો વી હેવ સો ઇટ્સ અ હોમમેડ થેપલા. ઓકે, જો કે જિસમે હમ લોગ થોડા સા સોયા બોટી કા યુઝ કરેંગે, થોડા પામેલા ચીઝ કા યુઝ કરેંગે, થોડા લાઇમ ક્રીમ કા યુઝ કરેંગે, એન્ડ ધેટ ઇસકો थेपले को हम लोग एक टाको का रूप दिया है. सो आई एम श्योर यू ऑल गोना लव इट. आ घर जेऊ फूड ग्लोबल स्टाइल में आने के. व्हेन यू आर इन गुजरात, तो आप गुजरात में कुछ इंडियन खाना बना रहे हैं, तो एक डिश हमने सोचा कि क्यों ना थेपले के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट. એટલે જ્યારે ગુજરાત માં હો ત્યારે ટાકો માં પણ થેપલા આવી જાય. ઓકે, ચાલીએ શરૂ કરીએ. હવે જે નેક્સ્ટ રેસિપી બનાવવાની છે, શેફે કીધું છે સોયા બુટી થેપલા ટાકો વિથ પાર્મેસન ચીઝ, રાઈટ? ઓકે, ચલો સબસે પહેલે ક્યા કરેંગે? સબસે પહેલે હમ ડાલેંગે કુકિંગ ઓઇલ. ઓકે, કુકિંગ ઓઇલ. ઉસકે બાદ અગેન ચોપ ગાર્લિક. ચોપ ગાર્લિક. ચોપ ગ્રીન ચીલી. ये रेसिपी है वो टेस्टिंग मेन्यू में से कि दिस इज फ्रॉम द आला कार्ट मेन्यू, बट इफ समबडी वांट्स इन टेस्टिंग मेन्यू तो हम लोग उनको भी नाइस टेस्टिंग मेन्यू में सर्व. जब ये सौते हो जाएगी उसके बाद हमने ये अनियन एंड टोमेटो का पेस्ट बनाया है. ओके, सो अनियन एंड टोमेटो ग्रेवी. ये कैसे बना है? ये चॉप अनियन, चॉप गार्लिक, रेड चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक, सम गरम मसाला, और उसके बाद इसको अच्छे से कुक किया है जब तक ये ऑयल रिलीज ना करे. तो उस पेस्ट को जब ये गार्लिक और जिंजर अच्छे से सौते हो जाएगा, गोल्डन कलर आ जाएगा, उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे. ये रेसिपी की डिमांड कैसी, मतलब जब लोग नाम सुनते होंगे दे विल बी क्यूरियस कि ये कैसा मतलब बनता होगा थेपला एंड टाकोस. जब लोग आते हैं और पूछते हैं कि यू आर डूइंग पैन इंडियन फूड, तो आपने व्हाट डिड यू डेडिकेट टू अहमदाबाद और गुजरात, आपने अहमदाबाद के लिए क्या बनाया, देन वी से दैट वी मेड दिस थेपला टाको. थेपला टाको, थेपला इज वेरी क्लोज टू ऑल द गुजराती पीपल डेफिनेटली, एंड दे लव इट. वी डू इट टू वर्जन ऑफ इट. सो एक है हमारा सोया बूटी थेपला टाको. इफ किसी को सोया इतना ज़्यादा पसंद नहीं है या फिर कोई ऑल्टरनेटिव इसका मांगता है, तो हम लोग पनीर के साथ भी करते हैं. नाइस, विद सम पेपर पनीर. सो रोस्टेड बेल पेपर्स विद सम पनीर. वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब कुकिंग में इनोवेशन तो इधर ही होते हैं. एब्सोल्युटली. नाउ वी गोना दिस अनियन एंड टोमेटो पेस्ट. ओके,
ये अच्छे से मिल गया है। इसके बाद हमने जो सोया चाप को चॉप करके मैरिनेट करके जो फ्राई किया था सोया चंक्स, दीज आर कॉल्ड बोटी। सो बोटी मीन्स मॉसिल। अब हम इसको इस मसाले में ऐड करेंगे और इसको अच्छा से स्टर देंगे। बढ़िया स्मेल आई है। अच्छे से मिक्स हो जाए उसके लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये थोड़ा मैक्सिकन टाइप का रहेगा, मैक्सिकन गुजराती है। टाको, हाँ, टाको मैक्सिकन है, उसका इंडियन गुजराती वर्जन हमने बनाया है। झटपट फूडी विद कशिश मा, आज मैक्सिकन गुज्जू में क्या ही नहीं जुड़ा। उसके बाद थोड़ा सा इसमें डालना है कोरिएंडर, थोड़ा सा सॉल्ट जस्ट टू टेस्ट। अब सॉल्ट बहुत कम डाल रहे हो, मतलब यू आर लाइक यू हैव थॉट्स ऑफ हेल्थ कॉन्शियस एंड एवरीथिंग। यस, और थोड़ा सा जो सॉल्ट है वो हल्का सा मैरिनेशन में रहता है। हाँ, तो मतलब ज्यादा डालने की जरूरत है। और इसके ऊपर चीज है और चिप्स है, बनाना का चिप्स है, उसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट रहता है। तो ओवरऑल बिल्कुल परफेक्ट फाइनल जो डिश आती है उसमें बिल्कुल परफेक्ट सॉल्ट रहता है। ऑलराइट, दिस इज ऑलमोस्ट डन। ओके, रेडी। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। आप बता इंग्रेडिएंट्स जो इन्हें वो लिटरली सरप्राइज छू, बिकॉज यहाँ थेपला छे, ऑर्गेनिक प्लांट्स छे, अमुक अमुक इंग्रेडिएंट्स जे ग्लोबल टाइपना छे, अमुक इंडियन टाइपना छे। हवे मने क्यूरियोसिटी छे कि आ आखू ग्लोबल वे में प्रिपेर थवानू छे, इंडियन मधर ना किचन वाळो टेस्ट केवी रीते आवे। आई जस्ट कांट वेट टू टेस्ट सीरियसली। अभी क्या करेंगे शेफ? अब इसको हम लोग प्लेट करेंगे। ओके, प्लेटिंग टाइम। ये मिनी थेपला जितने क्यूट है, मेथी के? यस, ये मेथी के हैं और इसको हम लोग अब प्लेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर डालेंगे ये है लाइम क्रीम। कैसे बनता है ये लाइम क्रीम? है इसमें है आपका हंग योगर्ट एंड ब्लैक पेपर, सम लेमन जेस्ट, सम लेमन जूस। ये इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाएगा टेक्सचर को, स्वीट एंड टैंगी है। उसके साथ में थेपला बहुत अच्छा जाता है। इसके बाद हम जो सोया बोटी बनाए थे वो सोया बोटी इसके ऊपर डालेंगे। ये अपनी इंडियन वाली आई। ये डालेंगे इसके ऊपर। ये है बीटरूट एओली। बीटरूट एओली, यस, इटालियन सॉस। कैसे बनता है? वी हैव मेड अ इंडियन वर्जन ऑफ बीटरूट एओली, सम गार्लिक, सम बीटरूट पल्प, सम सॉल्ट, लेमन जूस। दैट्स हाउ वी मेड इट। ऑलराइट, आफ्टर दिस थोड़ा सा सिट्रिक टेस्ट देने के लिए हम इसके ऊपर डालेंगे पिकल्ड अनियन, क्योंकि जब आप टाको खाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा सिट्रिकी, थोड़ा लेमन जूस और ये सब जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये होममेड खट्टा रहता है जी, पिकल्ड अनियन बनाया है। ये है थोड़ा सा किमची सैलेड। ओके, किमची सैलेड इज फ्रॉम कोरिया। यस, दे लाइक टू ईट इट। ऑलराइट, ऑन टॉप ऑफ दैट ये है पार्मेजान चीज, व्हिच गोज वेरी वेल विद द थेपला टाको। Alright, on top of it, I'm gonna put this fennel leaves. Which is very refreshing. Okay. Alright. Nice. Ready. Wow. आपकी खावानू छे, शेफे कीधु छे चमची के फोक यूज़ नहीं थाय। मस्त स्मेल आवे छे, इंडियन अने मेक्सिकन, गुजराती एंड मेक्सिकन न्यू फ्यूजन। विचार्यु नतो अहींया आईश के मने आवुं मळशे। जोरदार, सीरियसली टेस्ट करूँ छे, टेस्ट करीशुं। पण शेफ, ऑब्वियसली द मेन्यू लुक्स रियली नाइस, हाउ अबाउट द डेजर्ट?
डेजर्ट वी गोना सर्व यू वन, आज मैं आपको एक सर्व करूंगा एक इंटरेस्टिंग डेजर्ट. ओके, उसमें भी फ्यूजन है. ओके, इंडियन और वेस्टर्न का. वाओ. एंड मैं जब प्लेट करूंगा आप देन यू विल कम टू नो, आपको पता चलेगा कि किस तरीके का डेजर्ट है. श्योर, दैट्स गुड. यस. डेजर्ट में कई अनोखो बनवानो छे, शू बनवानो छे शेफ? सो अब हम लोग एक फ्यूजन डेजर्ट देंगे जिसका नाम है लेमन ग्रास एंड कोकोनट आइसक्रीम विद सेसमे कुकी क्रम्बल. वाओ. सो इट्स अ ब्लैक तिल हां बिस्किट, उसका हम लोगों ने क्रम्बल बनाया है. नाइस. और उसके ऊपर हमने होममेड आइसक्रीम बनाई है जो है लेमन ग्रास और कोकोनट की. वाओ. तो हम सर्व करेंगे. जो सर्विंग का तरीका है वो आपको बड़ा ही पसंद आएगा. आप सब इधर ही बनाते हो सब कुछ? एवरीथिंग इज होममेड. वाओ. दैट्स द मेन आईडिया ऑफ आवर. वेरी सेफ एंड हाइजीनिक. एब्सोल्युटली. नाइस. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए. यस. सो दिस इज द सेसमे कुकी क्रम्बल. सेसमे कुकी क्रम्बल. ओके. जो मैं इसमें प्लेट करूंगा. ओके. ऑलराइट. थोड़ा सा के ऊपर ये जो हमने होममेड आइसक्रीम बनाया है लेमन ग्रास एंड कोकोनट. लेमन ग्रास एंड कोकोनट कैसे बनती है? मतलब हमारे पास चर्निंग मशीन है. ओके. देन एवरीथिंग इज लाइक होममेड क्रीम मिल्क एंड द फ्रेश लेमन ग्रास एंड कोकोनट. ओके. मिक्स इट टुगेदर. वी हैव अ रेसिपी फॉर इट एंड दिस इज द ड्राई आइस व्हिच आई एम गोइंग टू. Nice. Put all over. जब हम लोग इसको प्रेजेंट करेंगे तो काफी अच्छा लग पाएगा. We do it on every table. Wow. All right. On top of that, ये थोड़ा सा raspberry powder है. Wow. तो मैं इसके ऊपर डालूँगा. Then, जैसे कि ये coconut और lemon grass है. हाँ. तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट चिप्स रखूंगा. ये आपने फ्राई किया? ये डिहाइड्रेट किया. ओके. अवन में. ओके. और ये है हॉट वाटर. हॉट वाटर. अभी मजा आने वाला है. नहीं. यस. आई एम गोइंग टू पोर ऑल ओवर. सो दिस इज हाउ इट इज प्रेजेंटेड. लेमन ग्रास एंड कोकोनट आइसक्रीम. सर आवो आइसक्रीम कल्पना ही नहीं करी कि आओ आइसक्रीम मस्त मजा नो फ्यूजन वाड़ो लेमन ग्रास एंड कोकोनट आइसक्रीम विद ड्राई आइस एंड वाओ. बदु सारू लागे छे रेस्टोरेंट बदु कॉन्सेप्ट नयू छे गुरु बदु नयू छे ખાવાનું પૂરો ગ્લોબલ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બધું અલગ છે. અમદાવાદનો બહુ કમ રેસ્ટોરન્ટ છે. બહુ જ્યાદા ઝલકતા હોય. મેં કાફી ટાઈમ સે ભી આ રહા હું ઇધર. મેકો દૂસરા મંથ હો ગયા હૈ આતે આતે ઓર મેરે ફ્રેન્ડ લોગ ભી આતે હૈ. અચ્છે હૈ બહુત હી જ્યાદા અચ્છા હૈ. શાંતિ મિલતી હૈ. બહુત 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 શાંતિ. ઓર હા ફૂડ ભી અચ્છા હૈ ઓર કાફી લોગો સે અલગ હૈ. બહુત અલગ હૈ. ઘર જૈસા ટેસ્ટ હૈ પર મેકો એસા લગતા હૈ કે ઇધર એસા ટેસ્ટ ના પૂરા અમદાવાદ મેં નહીં હોગા. આટલી બધી રેસીપીઝ તમે જોઈ રહ્યા છો આ ટેસ્ટિંગ મેન્યુમાંથી છે. કેન યુ ઇમેજિન? અને એટલું બધું છે હું તો કન્ફ્યુઝ થઈ જાઉં છું કે કયું પહેલા ખાવું કયું નહીં શું છે. એના માટે શેફ મયંક છે આપણી સાથે. એક્સપ્લેન કરશે તમને અને મને બંને. એટલે મેં આપકો રિકમેન્ડ કરુંગા આપકો યે દહી સે વસાબી પૂરી. ઓકે. સો સ્ટાર્ટ ધીસ. ઓકે. ધીસ ઇઝ હોમમેડ દહી સે વસાબી પૂરી સ્ટફ વિથ સમ ડ્રેગન ફ્રૂટ યોગર્ટ સમ ડેટ ચટની સમ મિન્ટ ચટની. વાઓ. યસ જસ્ટ લાઈક ધેટ. फ्लावर डेरिवेटिव ओरिजिनल टेस्ट. पापड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा है. एंड एवरीथिंग इज होममेड. वी डू नॉट लाइक बाय इट फ्रॉम आउटसाइड. फील आती है. यस. होममेड वाली फील आती है. દેશી સ્ટાઈલમાં જ ખાઈએ આપણે. નાઈસ સ્મેલ. પંજાબી ટાઈપ કી સ્મેલ. યસ પંજાબી. સરસું કા સાગ એન્ડ
मकई की रोटी कम से कम पंजाब सैंडविच जैसे वैसे ही खाना है। यस टेस्ट करिए अबे આઈસ્ક્રીમ માટે હું એમ કહીશ, શરૂઆતમાં મને એમ લાગે કે હું ઇન્ડિયાની બહાર પહોંચી ગઈ, ઇન્ડિયાની બહારનું ફૂડ ખાઈ રહી. ધીરે ધીરે જ્યારે ટેસ્ટ મિક્સ થાય ને એવું લાગે પાછા ઇન્ડિયા આવી ગયા. મેરા ભારત મહાન. રિયલી નાઇસ શેફ, લવ ધ ફૂડ ટ્રુલી, એન્ડ ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ. અભી 6 મહિને હુએ, ધીસ ઇઝ ગોના ગો સો ફાર આઈ એમ શ્યોર. થેન્ક યુ સો મચ. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. માયકામાં લાગે ને, એકચ્યુઅલી લાગે માયકામાં આવી ગયા, પણ એવું લાગે કે એક અલગ જ માયકું છે, ભારતમાં જ નહીં. અનોખું ફૂડ અલગ જ સ્ટાઇલમાં બનાવ્યું છે, ગ્લોબલ સ્ટાઇલમાં. દેટ ઇઝ માય ફેવરિટ. આઈ એમ શ્યોર તમને પણ મજા આવી હશે જોવાની, અને એક અદ્વિતીયતા જોવા મળે અલગ અલગ એપિસોડમાં. એના માટે તો ઝટપટ ફૂડ વિથ કશિશ જાણીતું જ રાઈટ. હવે બધું જે મેં ઓર્ડર કર્યું છે એ હું ફિનિશ કરીશ. આપણે ફરી મળીશું વિથ નેક્સ્ટ એપિસોડ. તમને એક વાત કહી દઉં કે જો તમારું કેફે કે રેસ્ટોરન્ટ છે અને તમે ઈચ્છો છો કે ઝટપટ ફૂડ વિથ કશિશની ટીમ તમારે ત્યાં આવે અને એપિસોડ શૂટ કરે, આ નંબર દેખાઈ રહ્યો છે ને, મેસેજ કરી દેજો, આપણે મળીએ, શૂટ કરીએ મસ્ત એપિસોડ. અને સી યુ એટ ધ નેક્સ્ટ એપિસોડ. ત્યાં શું આવજો. અરિયાસ.